लेने चाहते हैं, बट ऋतिक के पास होने वाले हैं कुछ अलग वेपन, और वो देखिए ऋतिक ने फाइनली भूकंप का यूज करा, बट ऋतिक खुद फंस जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत गलत डिसीजन हो सकता है, पीछे से जोन का पुश आ रहा था, बट ऋतिक के कैसे एंगल पे जा चुके थे जहाँ पे यार थोड़ा सा गेम उनके एक फेवर में नहीं बना, ये छोटी सी गड़बड़ हो गई, बट वो आना चाहते थे अंदर, बट अंदर पहुंच नहीं पाए। अब ये जो हमारी बैंगलोर की टीम होने वाली है वो आराम से बैठी हुई है, इंतजार है क्लोज रेंज बैटल का, जो कि जोन के श्रिंक होने के साथ स्टार्ट हो जाएगी। से कह रहे हैं आप, यहाँ पे श्रिंक होने वाला है, एंड डेफिनेटली मुंबई के लिए ये राउंड सबसे ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। इन 7 राउंड्स मेरे को लग रहा है मुंबई अभी, अब अगर अगर हमारी इंटरव्यू होती है विनिंग टीम के साथ, अब आई एम नॉट श्योर कि होने वाली है या नहीं होने वाली, ओनर के साथ होगी या फिर टीम कैप्टन के साथ होगी, एंड अगर होगी एंड अगर मुंबई जीतेंगे तो मैं इंट्रो से ये जरूर पूछना चाहूंगा दैट फर्स्ट राउंड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, बट अब यहाँ पे दिक्कत आती हुई दिखाई देने वाली है। एक किल जरूर था इंट्रो का, यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओल्ड मंक अकेले बचे थे, लुक राइट है, एंड अगर थोड़ी सी और आपको मोटिवेशन चाहिए तो फर्स्ट जो टीम आने वाली है उनको 12 लाख मिलने वाले हैं, और जो टीम सेकंड आने वाली है उनको 6 लाख मिलने वाले हैं, तो 6 लाख रुपए दाव पे है इस टाइम पे। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस लेना चाहते हैं तो मैं नहीं कह रहा था आप पैसे के लिए, बट अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में इतना फर्क है, तो बैंगलोर यू नीड टू मूव ऑन, कम ऑन, यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज़ इतना तगड़ा परफॉर्मेंस जो आप देते हुए आए हैं वो एकदम से यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड मुंबई वाशर्स विनिंग अनदर राउंड, बिकॉज़ इनको पता है दैट लीड लेना इनको आता है, लीड लेना ईएल जीती है, एंड वो भी वही वाला मैप होने वाला ओरा जो इनको एज एन एडवांटेज मिला था, बिकॉज इन्होंने मुंबई को अभी पीछे हराया था, तो इनको एक एडवांटेज मिला बेस्ट ऑफ 7 में, एंड यहाँ पे अब हमें थोड़ा जवाबी कार्रवाई आती हुई दिखाई देने वाली है, मैटर को नॉक कर दिया गया, एंड यही वो मौका है जहाँ पे पूरा आपको घुसना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक एडवांटेज था, बट मैटर तो रिवाइव मिल चुका, लेजेंड की एचपी बहुत ही ज्यादा कम है, लेजेंड डाउन होंगे या मैटर डाउन होंगे, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों की एचपी बहुत ही कम है, बट यहाँ पे फैबिट्रो डाउन होते हुए दिखाई दिया, लेजेंड ने अपनी एचपी रिवाइव कर लिए, ओल्ड मंक की एचपी भी बहुत कम डाउन होने वाले हैं, ये भी 2v3 का मुकाबला है यहाँ पे, बैंगलोर यहाँ से नीचे नहीं गिरना है आपको, बट यहाँ से गिरते हैं लेजेंड और जेस्वी डाउन हो जाते हैं, जैन मैटर अकेले बचे यहाँ पे, जबकि हम बैंगलोर की टीम की बात करें तो देखते हैं ध्यान बचे हैं यहाँ पे, 1v2 का मुकाबला होने वाला, बिहान की एचपी बहुत ही कम है, मैटर क्या कर पाएंगे यहाँ पे, यानी ऋतिक को भी डाउन कर दिया, 1v1 का मुकाबला, बिहान की एचपी बहुत ही थोड़ी है यहाँ पे, क्या कुछ कर पाएंगे, यानी थोड़ी एचपी बिहान की, एक बुलेट 1 HP बिहान, कैन यू डू इट और नॉट, मैटर के पास यहाँ पे एचपी का एडवांटेज है, बट अगर इन्हें भी 2-3 गोलियों का से लगेगा तो मैटर डाउन होने वाले यहाँ पे, बट फिलहाल यहाँ पे अपने लिए प्लेयर्स को रिवाइव नहीं होना देने चाहते हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे पुश करने की, वेट किया जा रहा है या क्या हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिवाइव मिल गया है, 4v1 हो गया है, एंड ये बहुत ही बढ़िया गेम प्ले मैं बोलना चाहूंगा इनकी तरफ से आया, एंड देयर इट इज, गोली लगानी थी बस एक गोली बिहान के पांव की छोटी उंगली, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सारा कुछ हैंडशेक एग्रीमेंट में कि अभी यहाँ पे बैंगलोर जीतने वाली, भाई हमें भी लगता है कभी कभी भाई कैसे होता है, मतलब यहाँ पे कमबैक कुछ इस तरीके से आते हैं, मजा आ जाता है, बट सच बताओ तो यार कोई भी टीम नहीं चाहती कि सामने वाली टीम के पास कोई गेम जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिटाई पिटाई स्टार्ट हो चुकी है, 2 प्लेयर डाउन पड़े हुए यहाँ पे, बैंगलोर के लेजेंड आखिरी प्लेयर होने वाले, क्या वो कर पाएंगे क्लच, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यहाँ पे एक और गेम, भाई इस चीज का जवाब ये है कि भाई एक वोटिंग चल रही है दैट आपको क्या लगने वाला है, दैट मुंबई मार्शल जीत रही है या बैंगलोर पैलेसिंग जीतने वाले हैं ग्रैंड फिनाले को, सो जल्दी आइए यहाँ पर एंड वोट कर दीजिए, बिकॉज आपका वोट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, हम देखना चाहते हैं कि फैन फेवरेट टीम कौन सी है यहाँ पे, सो भले ही कोई भी जीते कोई भी हारे आपके वोट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो मैं आपको वापस से बोलना चाहूंगा जितने भी लोग हमें जहां पर भी देख रहे हैं अदर देन इंडिया टुडे का इंडिया टुडे गेमिंग के यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जल्दी से यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंडिया टुडे गेमिंग, एंड जल्दी से स्ट्रीम पर आके वोट कीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो दैट फैन फेवरेट टीम दोनों में से कौन सी है, जल्दी आइए एंड वोट कीजिए, बट मीनवाइल यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं मुंबई मार्शल सिर्फ एक और कदम दूर, एंड विहान, ओ माय गॉड, विहान इज जस्ट लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा साउंड दे दिया विहान ने, एंड यहाँ पे लिटरली इनको पता चल गया होगा अंदर वाले जो जो प्लेयर बैठे हैं, सपोज इट इज 5 इंट्रो जो होल्ड करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहाँ पे, जय यहाँ पे राइट साइड पे टीपी पे एंगल होल्ड कर रहे हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा क्लिनिकल गेम प्ले आता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, बिकॉज सारे के सारे प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कहाँ से पुछाने वाला है, एंड उसके बाद इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे वेट चलती हुई दिखाई दे रही है, एंड सेम मेरे को यहाँ पे लेजेंड की तरफ से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओजस्वी ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया, ऋतिक यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दे चुके हैं हमें, विहान यहाँ पे ऑलमोस्ट डाउन हो चुके हैं, लेजेंड ने भी डैमेज काफी ज्यादा ले लिया, ऑन द कंट्री हमें दिखाई दे रहा है ओल्ड मंक जय एंड मैट्रॉन की फुल फुल एचपी यहाँ पे, बयान की एचपी बहुत ही कम है यहाँ पे, मुंबई मार्शल्स हैव डन इट अगेन।